आज हम बनाएंगे एक बैटर से बहुत ढेर सारे पकौड़े जो बिना मेहनत के झटपट बनके तैयार हो जाते हैं और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हैं, बनाने में तो बहुत ही आसान है। 5 से 7 मिनट में पकौड़े बनके तैयार हो जाते हैं। तो चलिए फिर आज की मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने 5 से 6 मिर्च, लहसुन और 1 इंच अदरक ले लिया है। सभी का हम थोड़ा सा पानी और नमक डाल के स्मूथ सा पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे। और यहाँ मैंने 1 कप बेसन ले लिया है और ये मैंने जो पेस्ट बनाया मिर्च लहसुन अदरक का उसे डाल देंगे। साथ में हम थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाल देंगे और नमक मैंने पहले से डाला है तो थोड़ा सा कम डालेंगे। थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे, आधी छोटी चम्मच नमक डाल देंगे। सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा पानी और डाल देंगे, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें और गाढ़ा घोल बना के तैयार करें। बैटर बहुत ज़्यादा पतला या बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए, देख सकते हैं बिल्कुल ऐसे ही बैटर बना के तैयार करना है। बैटर हमारे बनके तैयार हो गए हैं और यहाँ मैंने केला, लौकी और आलू को ऐसे काट के ले लिया है, पतला पतला काट लिया है। अगर आप इसमें बैगन या जिस चीज़ के भी पकौड़े बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। और यहाँ मैंने पैन में तेल गर्म करने के लिए रख दिया है। अब हम जो आलू, केला, लौकी के स्लाइस कट किए थे उसे बैटर में डिप करेंगे। उसे अच्छी तरीके से बैटर में डिप कर लें। अब हम इसे गर्मा गर्म तेल में डालेंगे, इसे आप मीडियम फ्लेम पे फ्राई करें। सारे पकौड़ों को हम डाल देंगे। मैं लौकी, केला, आलू सभी के मिक्स पकौड़े बना रही हूँ। अच्छी तरीके से 2 से 3 मिनट के लिए एक तरफ से फ्राई हो जाने देंगे। और पकौड़े एक साइड से बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं, फटाफट से इन्हें पलट लेते हैं। और यहाँ देख सकते हैं पकौड़े एक साइड से कितने अच्छे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। हमें इसे दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। और यहाँ देख सकते हैं पकौड़े दोनों साइड से बहुत ही प्यारे कलर आ गए हैं, बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गए हैं। फटाफट से इन्हें हम निकाल लेते हैं, इससे ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही क्रिस्पी पकौड़े बन के तैयार हुए हैं और ये हमारे बहुत ही कुरकुरे पकौड़े बनके तैयार हो गए हैं। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। बहुत ही कम मेहनत में झटपट पकौड़े खाने को मिलेंगे आपको। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन पर भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।